सेना भर्ती की लिखित परीक्षा का इंतजार लगभग साल भर से कर रहे युवाओं के सब्र का बांध अब टूटना शुरू हो गया है। सेना भर्ती की लिखित परीक्षा न होने और साथ ही उनकी आयु सीमा खत्म होने की कगार पर पहुंचने के चलते युवाओं का गुस्सा भड़क उठा। जिला ऊना के अलग अलग क्षेत्रों से आए युवाओं ने इंदिरा गांधी खेल परिसर से लेकर डीसी ऑफिस तक तिरंगा यात्रा निकालकर अपनी मांगों के संबंध में आवाज बुलंद की। सैकड़ों की संख्या में जुटे युवाओं ने रैली निकालकर सेना भर्ती की लिखित परीक्षा करवाने की मांग उठाई। वहीं कई सारे अभ्यर्थियों को अब ये डर सताने लगा है कि सेना भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा खत्म होने को आई है और इन परिस्थितियों के बीच उन्हें लिखित परीक्षा में बैठने का भी मौका नहीं मिल पाएगा। सर हमारा पिछले एक साल से पेपर नहीं हो रहा है सर, डेट पे डेट मिलती जा रही है लेकिन पेपर नहीं हमारा हो रहा है सर। पुलिस का पेपर हुआ, सभी का पेपर हो रहा है लेकिन हमारा पेपर नहीं हो रहा सर। सर इसलिए हम इधर आज आया क्योंकि हमें हमारा हक चाहिए, हमें सर पेपर होना चाहिए सर। इतने गरीब गरीब बच्चे हैं जो सुबह 4 बजे आते हैं सर रनिंग करने के लिए। सर हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि हमारे कई दोस्त और हमारे साथी पिछले 2 साल से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी भर्ती पिछले साल हुई थी उसका अभी तक हमारा रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ है। अगर हमारा रिटर्न एग्जाम नहीं होगा तो हमारे जो साथी हैं जो रोज़ सुबह 3 बजे उठ के ग्राउंड में मेहनत करते हैं उनकी मेहनत कब रंग लाएगी जब भर्ती ही नहीं आएगी। जब हमारे रिटर्न एग्जाम ही नहीं होगा तो इन बच्चों का जो है रनिंग कैसे होगी। आप जानते हैं कि लंबे समय से जो सेना की भर्ती रैली है वो नहीं निकल रही है और हमारे हजारों युवा जो है इस भर्ती रैली की प्रतीक्षा में आज भी मेहनत, सुबह 4 बजे जब सूरज नहीं निकलता तो ये युवा घरों से निकलकर यहाँ पर आते हैं कि ताकि यहाँ सेना के लिए तैयारी करके देश की सरहद पर जाके देश के दुश्मनों के साथ लड़ें। और आप देखिए कि आज 2 साल का समय हो गया कि सेना की भर्ती नहीं निकल रही। अगर मैं बताऊँ तो 2021 में महज 4 भर्ती रैलियाँ निकली हैं और 1.25 लाख के करीब पद जो है थल सेना, वायु सेना और जल सेना में खाली हैं। और ये बात लोकसभा में केंद्र सरकार ने अपने आप 2021 में कही थी, परंतु लंबे समय से सेना की भर्तियां ना निकलना, हमारे हजारों युवाओं में ये रोष है। आज ये जो फ्लैग मार्च हम यहाँ निकाल रहे हैं ये सिर्फ देश के झंडे के नीचे इसलिए निकाल रहे हैं कि हम देश की सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं।